नमस्कार। तो आज हम शॉर्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे। जनरली हम पहले शेयर्स खरीदते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं, इसीलिए हम बाय लो एंड सेल हाई, यानी कि कम प्राइस पर खरीदो और ज़्यादा प्राइस पर बेच दो, इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। और जब शेयर की प्राइस बढ़ जाती है यानी ऊपर जाती है, तब हमें प्रॉफिट होता है। वही शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है। शॉर्ट सेलिंग में पहले हम शेयर्स बेचते हैं और फिर उन्हें खरीद लेते हैं, और शॉर्ट सेलिंग में शेयर की प्राइस जब गिर जाती है यानी नीचे जाती है, तब आपको प्रॉफिट मिलता है। जब ट्रेडर को लगता है कि किसी शेयर की प्राइस गिर जाएगी, तब वो ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग करता है, यानी पहले शेयर्स बेचता है और जब शेयर प्राइस गिर जाती है, तब उन शेयर्स को खरीद के प्रॉफिट कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ABC नाम का कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है। कैलाश नाम का एक ट्रेडर है जिसे लगता है कि ABC की प्राइस गिरने वाली है, और फिर कैलाश ABC के शेयर्स को शॉर्ट सेल करता है। कैलाश ABC के 100 शेयर्स 1000 रुपीज़ की प्राइस पर बेच देता है। कुछ टाइम बाद ABC की प्राइस 1000 रुपीज़ से गिरकर 990 हो जाती है, और फिर कैलाश उन 100 शेयर्स को 990 की प्राइस पर खरीद लेता है, और इस तरह कैलाश 10 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट कमाता है। तो शॉर्ट सेलिंग एक टूल है जिसके जरिए शेयर की प्राइस जब गिर जाती है, तब प्रॉफिट कमाया जाता है। अगर कोई ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग करता है और शेयर्स बेचने के बाद उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, तो उस ट्रेडर को लॉस होगा। आप कैश मार्केट में इंट्राडे के लिए शेयर्स शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि शेयर्स बेचकर आपको उसी दिन स्टॉक मार्केट क्लोज होने से पहले उन शेयर्स को खरीद लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SBI के शेयर्स शॉर्ट करना चाहते हो और आपने SBI के 100 शेयर शॉर्ट कर दिए हैं, तो आपको SBI के उन 100 शेयर्स को स्टॉक मार्केट क्लोज होने से पहले ही खरीदना होगा। अगर आप SBI के उन 100 शेयर्स को उसी दिन खरीदना भूल जाते हो या किसी कारण उन शेयर्स को खरीद नहीं पाते हो, तो आप डिफॉल्टर बन जाओगे। इस सिचुएशन को शॉर्ट डिलीवरी कहते हैं। अब ये शॉर्ट डिलीवरी क्या होती है, इसे समझते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर्स की सेटलमेंट T+2 साइकिल के अनुसार होती है, यानी अगर आप मंडे को शेयर्स खरीदते हो, तो वो शेयर्स T+2 डे यानी वेनसडे को आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे, और जिसने आपको वो शेयर्स बेचे हैं, उसे भी उन शेयर्स के पैसे वेनसडे को ही मिलेंगे। आपने बेचे हुए शेयर्स आपको जिसने आपसे वो शेयर्स खरीदे हैं उसे देने होंगे। इसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज को T+1 डे यानी जिस दिन आपने वो शेयर्स बेचे हैं उसके दूसरे दिन पता चलता है। इसीलिए जब आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करते हो यानी शेयर्स बेचकर उन्हें उसी दिन खरीद लेते हो, तब आप स्टॉक एक्सचेंज को आपका ऑब्लिगेशन पता चलने से पहले ही उन शेयर्स को खरीद लेते हो। इसलिए जब आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करते हो, तब आपको उन बेचे हुए शेयर्स की डिलीवरी देने की जरूरत नहीं होती। पर अगर आप शॉर्ट सेलिंग के लिए बेचे हुए शेयर्स को इंट्राडे में यानी उसी दिन खरीद नहीं पाते हो, तो दूसरे दिन स्टॉक एक्सचेंज को आपके ऑब्लिगेशन के बारे में पता चलेगा और आपको अपने बेचे हुए शेयर्स जिसने आपसे वो शेयर्स खरीदे हैं उसे डिलीवर करने होंगे। नाउ, आपने SBI के जो 100 शेयर शॉर्ट सेलिंग के लिए बेचे हैं, उन्हें किसी कारण से आपने इंट्राडे में नहीं खरीदा है, तो अब आपको आपने जो 100 शेयर्स बेचे हैं उन शेयर्स को जिसने आपसे वो शेयर्स खरीदे हैं उसे डिलीवर करने होंगे। लेकिन आपके पास तो SBI के 100 शेयर्स है ही नहीं, तो फिर आप SBI के उन 100 शेयर्स की डिलीवरी कैसे दोगे? तो इस केस में आपने डिफॉल्ट कर लिया है, पर स्टॉक एक्सचेंजेस इसका जिसने आपसे वो शेयर्स खरीदे हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ने देगा। स्टॉक एक्सचेंज ऑक्शन मार्केट से वो शेयर्स खरीद के जिसने आपसे वो शेयर्स खरीदे थे उस खरीदने वाले को दे देगा, और फिर जिस प्राइस पर स्टॉक एक्सचेंज ने वो शेयर्स ऑक्शन मार्केट से खरीदे हैं वो प्राइस और आपने जिस प्राइस पर वो शेयर्स बेचे थे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये में वो शेयर्स बेचे थे और स्टॉक एक्सचेंज ने ऑक्शन मार्केट में वो शेयर्स 105 रुपये की प्राइस पर खरीद कर सामने वाले को दे दिए हैं, तो ये 5 रुपीज़ पर शेयर का डिफरेंस आपको पे करना होगा। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज आपको इस डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी भी चार्ज करती है, इसलिए कभी भी इस तरह का डिफॉल्ट ना करें। अगर आपको कैश मार्केट में थोड़ी लंबी अवधि के लिए शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो आप SLB यानी सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग के जरिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। क्या आपको पता है कि आप किसी से शेयर्स उधार लेकर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, या किसी को अपने शेयर्स उधार देकर इंटरेस्ट कमा सकते हो? यस, आप SLB यानी सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग के जरिए ये कर सकते हो। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स कुछ महीनों के लिए ट्रेडर्स को उधार देकर इंटरेस्ट कमाते हैं, और ट्रेडर्स शॉर्ट सेलिंग और आर्बिट्राजिंग के लिए शेयर्स उधार लेते हैं। आप 1 महीने से 12 महीने तक शेयर्स लेंड या बोरो यानी शेयर्स उधार ले और दे सकते हो। SLB के लिए NSE और BSE एक स्पेशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए आप स्टॉक मार्केट टाइमिंग में यानी सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 के बीच ट्रेड कर सकते हो। SLB में आपको कुछ डिटेल्स के साथ ऑर्डर प्लेस करनी होती है, जैसे कि कितने शेयर्स आप लेंड या बोरो करना चाहते हो, कितने इंटरेस्ट रेट पर
या कितने टाइम पीरियड के लिए आप शेयर्स लेंड या बोरो करना चाहते हो एटसेट्रा। और नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह ही ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम से प्राइस और टाइम के प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्डर्स मैच होती है और एग्जीक्यूट होती है। SLB इंडिया में अभी तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, SLB में फिलहाल लिक्विडिटी बहुत कम है, तो जो शेयर्स आपको बोरो या लेंड करने हैं उन शेयर्स के लिए आपको बोरोवर या लेंडर मिलेंगे ही, ऐसा नहीं है। SLB के लिए आपको SLB अकाउंट खोलना होता है। इंडिया में बहुत कम ब्रोकरेज फर्म्स SLB अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। SLB के जरिए आप कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के शेयर्स में ही लेंडिंग और बोरोइंग कर सकते हो। अब फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की बात करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है फ्यूचर्स को शॉर्ट करना। फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो अपने अंडरलाइन का अनुकरण करता है। फॉर एग्जाम्पल, SBI के फ्यूचर्स की प्राइस SBI के शेयर प्राइस का अनुकरण करती है। तो अगर SBI की शेयर प्राइस बढ़ती है तो SBI के फ्यूचर्स की प्राइस भी बढ़ेगी। डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं, इसे डिटेल में जानने के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हो। तो आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, लेकिन सारे स्टॉक्स के फ्यूचर्स नहीं होते हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स से फ्यूचर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए होता है। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फ्यूचर शॉर्ट करने हैं तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रोल ओवर के कारण एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। 1992 में जब हर्षद मेहता ने स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करके ऊंचे लेवल्स पर पहुंचा दी थी, तब मिस्टर राधाकिशन दमानी और मिस्टर पोरिंजो विलियात ने अपने करियर के शुरुआत में उन शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाया था, क्योंकि तब उन्हें लग रहा था कि हर्षद मेहता ने मैनिपुलेट किए हुए स्टॉक्स बहुत ओवरवैल्यूड हो चुके हैं। इसी तरह जब .com बूम में केतन पारेख ने कुछ स्टॉक्स की प्राइसेस मैनिपुलेट करके बढ़ाई थी, तब वो स्टॉक्स भी ओवरवैल्यूड हुए थे और तब भी मिस्टर राधाकिशन दमानी ने शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाया था। इन स्कैम्स की वजह से उन्हें जो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने उसे पूरी तरह यूटिलाइज किया था। आज मिस्टर पोरिंजो विलियात और मिस्टर राधाकिशन दमानी दोनों भी बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और सक्सेस स्टोरी को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। डॉक्टर माइकल बैरी ने 2008 के US सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस को 2-3 साल पहले ही प्रेडिक्ट किया था, और जब 2008 में सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ तब उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया था। द बिग शॉर्ट इस मूवी में 2008 क्राइसिस और तब किए गए शॉर्ट सेलिंग को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर माइकल बैरी को उस मॉर्गेज क्राइसिस के बारे में पहले ही पता चल गया था। द बिग शॉर्ट की स्टारकास्ट भी बहुत अच्छी है, तो आप ये मूवी ज़रूर देखिए एंड आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। अगर आपके जहन में शॉर्ट सेलिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055 835 835 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।